हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वॉचर प्लेनेट। आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक एक्शन मूवी को जिसका नाम है इनहेल, जिसे डायरेक्ट किया है रिंगो लाम ने। और बात करें इसकी आईएमडीबी रेटिंग के बारे में जो है 6.2 आउट ऑफ 10 स्टार। ये मूवी ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है। इस कहानी में हम एक ऐसे आदमी को देखते हैं जो जेल में उस अपराध के लिए जाता है जो उसने मजबूरी में किया होता है। मूवी के स्टार्ट होते ही हम काइल नाम के एक बंदे को देखते हैं जो कार चलाते टाइम अपनी वाइफ से बात कर रहा होता है, और उसकी वाइफ उसे बीच पर वैकेशन मनाने के लिए कहती है क्योंकि काइल काफ़ी बिजी रहता है और वो अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं निकाल पाता, इसलिए वो अब मान जाता है। वो फ़ोन पर ही होता है तभी एक आदमी उसके घर में जाकर उसकी वाइफ का रेप करने की कोशिश करता है। फ़ोन अभी कनेक्ट था इसलिए वो आवाज़ सुनकर घबरा जाता है और वो कार स्पीड में चलाने लगता है। घर जाकर वो देखता है उसकी वाइफ को चाकू मार दिया गया है। फिर उसे वहाँ पर ब्लैक ड्रेस में एक आदमी दिखता है जिसने उसकी वाइफ को मारा था। वो उसके पीछे भागता है, काइल उसको पकड़ ही लेता है तभी अचानक वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो काइल को पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज करने पर अरेस्ट कर लेती है। वो उस आदमी पर केस करता है लेकिन वो रेपिस्ट अमीर खानदान से होता है जिससे वो आसानी से छूट जाता है। जज का फैसला सुनकर काइल को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो एक पुलिस ऑफिसर की गन छीनकर उस रेपिस्ट को वहीं पर शूट कर देता है, और इस बात के लिए उसे कोर्ट में उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। फिर उसे एक जेल में ले जाया जाता है और लाइन में सारे कैदियों को खड़ा किया जाता है। फिर हम देखते हैं वहाँ का जनरल एक आदमी से उसका नाम पूछता है। वो आदमी अपना नाम विली कॉपर बताता है। यहाँ पर सभी पुलिस वाले लालची होते हैं और वो काइल की वाइफ की अंगूठी भी ले लेते हैं। जब काइल उसे देने के लिए मना करता है तब वो उसे बहुत मारते हैं। वो उसकी वाइफ की फोटो भी फेंक देते हैं। फिर सारे नए कैदियों को उनका सेल दिखाया जाता है जहाँ काइल अपनी वाइफ को याद करता है। तभी अचानक वहाँ पुलिस वाले आते हैं और उसके बराबर वाले सेल में से बिली कॉपर को ले जाते हैं। वो उसे एक सेल में कुलहैंड नाम के बंदे के साथ बंद कर देते हैं। कुलहैंड बिली को पीट कर उसका रेप करता है जिस वजह से बिली बहुत जोर से चिल्लाता है और सभी कैदी डर जाते हैं। अगले दिन कुलहैंड को देखकर काइल को उस रेपिस्ट की याद आ जाती है जिसने उसकी वाइफ को मारा था, और इसलिए वो कुलहैंड के साथ मारपीट करना शुरू कर देता है जिससे वहाँ के पुलिस वाले उसे एक नए सेल में बंद कर देते हैं। वहाँ पर काइल फांसी लगाने की कोशिश करता है लेकिन वो नाकामयाब रहता है। फिर पुलिस वाले उसे ले जाकर एक तगड़े इंसान के पास बंद कर देते हैं जिसका नाम इनमेट होता है, जो अपने 3 सेलमेट को मार चुका था। जब काइल उसे देखता है तब वो बहुत आराम से अपना काम कर रहा था और फिर बेड पर लेटकर अपनी बुक पढ़ने लगता है। अगले दिन काइल का रिलेटिव उससे मिलने जेल में आता है, फिर दोनों बात करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कूलेंट काइल को देखकर उसे बॉल से मारने की कोशिश करता है लेकिन बॉल दूसरे गैंग को लग जाती है जिससे उन दोनों गैंग के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर वहाँ पुलिस आकर बीच बचाव करती है। कुछ दिन गुजरने के बाद काइल के वहाँ पर दो दोस्त बनते हैं, बिली और यूसुफ। फिर हम देखते हैं रात को काइल जब सो रहा होता है और अपनी वाइफ की याद में बड़बड़ाने लगता है जिसे सुनकर उसका सेलमेट परेशान होकर उसका गला घोटने लगता है। फिर बड़ी मुश्किल से काइल उसकी पकड़ से छूटता है और उसका सेलमेट कहता है उसे शांति पसंद है। फिर काइल डर कर शांत हो जाता है। अगले दिन कूलहैंड काइल के खाने में थूक देता है और बिली को फिर से रात को बुलाने के लिए कहता है। फिर काइल पुलिस को पैसे देकर अपना सेल बदलने के लिए कहता है लेकिन पुलिस उससे ज़्यादा पैसे मांगती है। फिर वहाँ पर फाइट स्टार्ट होती है जहाँ पर दो लोग आपस में लड़ते हैं और वो फाइट तब तक चलती है जब तक उनमें से कोई एक मर ना जाए। फिर गार्ड और पुलिस वाले उन पर सट्टा लगाकर बहुत सारा पैसा कमाते हैं। फिर कूलेंट और उसके दुश्मन गैंग के मेंबर से उसकी लड़ाई होती है जिसमें कूलेंट दूसरे बंदे को बहुत बेरहमी से मार देता है। फिर काइल अपने फ्रेंड से उसके सेलमेट के बारे में पूछता है क्या वो भी इस लड़ाई में पार्टिसिपेट करता था। फिर वो उसे बताता है हाँ वो पहले लड़ता था लेकिन फिर एक दिन उसने शांति का रास्ता अपना लिया। फिर उसी रात गार्ड फिर से बिली को कूलेंट के सेल में ले जाते हैं लेकिन बिली कूलेंट पर हमला कर देता है जिसके दौरान उसे ही चोट लग जाती है और उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं काइल काम कर रहा होता है, उसे एक वर्कर परेशान करता है और वो भी काइल को बहुत मारता है। इस सब के चलते काइल बहुत दुखी हो गया था और वो रोज रात को अपनी वाइफ के सपने देखता था लेकिन इससे भी उसको कोई शांति नहीं मिलती है। जिसके बाद वो इंटीमेट की बुक्स पढ़ना शुरू करता है जिसमें लिखा होता है नफरत मुझे ताकत देती है और नफरत ही मुझे जिंदा रखती है। फिर हम देखते हैं कूलेंट इतना खतरनाक होता है कि उसने अपने अराइवल गैंग के सारे मेंबर्स को एक एक करके गार्ड के सामने ही मार डाला। फिर कूलेंट काइल के पास जाता है और बिली की जगह उसे आने के लिए कहता है। तभी काइल को गुस्सा आता है और वो कूलेंट को मारने लगता है जिसके बाद वहाँ पुलिस आती है और उन दोनों को अलग करती है। फिर काइल को एक अलग सेल में बंद कर दिया जाता है। काइल अब हिम्मत नहीं हारता और वो अपनी बॉडी बनाने पर ध्यान देता है। वो अपना वर्कआउट खूब मेहनत के साथ करता है। फिर हम देखते हैं एक लैंडमाइन के नीचे आकर एक गाड़ी फट जाती है
जिसकी आड़ में बिली वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है और उसे बहुत मारती है। इनमेट ये सब देख रहा होता है लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। उसे देखकर लगता है वो ये सब कुछ एक्सेप्ट कर चुका है। वहीं दूसरी तरफ काइल इनमेट की बुक्स पढ़ता है, जिसे पढ़कर उसे बहुत हिम्मत मिलती है और वो फाइट में जाने के लिए तैयार होता है। वहां पर उसकी लड़ाई कूलेंट से होती है। पहले तो कूलेंट काइल को बहुत मारता है, लेकिन बाद में काइल कूलेंट को नीचे गिराकर उसका गला फाड़ देता है और ऐसे ही धीरे धीरे वो रोज रिंग में लड़ता है और जल्दी ही सबसे अच्छा फाइटर बन जाता है। फिर एक दिन इनमेट काइल को देखता है, जिस पर काइल उससे पूछता है तुम ऐसे क्या देख रहे हो। इनमेट उससे कहता है क्या तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो, शायद नहीं। अगले दिन काइल का रिलेटिव उससे मिलने आता है और वो उसे झूठी तसल्ली देने की कोशिश करता है, लेकिन काइल को सच्चाई पता थी। इसके बाद वो वहां से चला जाता है। फिर जेल में रशियन इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। फिर यूसुफ बिली को चाबी देकर कहता है तुम यहाँ से बाहर निकल सकते हो। जब बिली उसके बताए गए रास्तों पर जाता है तब उसे वहाँ पर कोई गेट नहीं मिलता और वो पकड़ा जाता है। फिर हम बालिया को देखते हैं जो काइल से मिलता है और उसके हाथ को जोर से पकड़ लेता है, जिसे दूसरी जेल से लाया जाता है रिंग में लड़ने के लिए। इसके बाद बिली को बालिया के सेल में भेज दिया जाता है और बालिया भी बिली का रेप करता है। इस सब का कारण यूसुफ होता है। पुलिस ने यूसुफ के साथ मिलकर बिली को भगाने का प्लान बनाया था, जिससे वो सजा के तौर पर बिली को वालिया के सेल में भेज सके। अगले दिन काइल बिली को देखता है, उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी और वो मरने ही वाला होता है। वो काइल से कहता है तुम इनके साथ रहकर इनके खेल के आदि बन रहे हो, जैसे तुम हो वैसे ही रहना, ये कहकर वो मर जाता है और इससे काइल को बहुत दुख होता है और वो कभी न लड़ने की कसम खाता है। अगले दिन काइल को वालिया के साथ लड़ने के लिए ले जाया जाता है, तब काइल उससे लड़ने की बजाय नीचे बैठ जाता है। पुलिस उससे लड़ने के लिए कहती है लेकिन वो नहीं लड़ता। इसके बाद पुलिस उसे सजा देने के लिए एक खम्भे से बांध देती है और कहती है जब तक तुम नहीं लड़ोगे तब तक तुम्हें यहीं रहना होगा। और जब इनमेट को पता चलता है कि यूसुफ ही बिली की मौत का जिम्मेदार है तो वो उसे मारने के लिए वहाँ आता है। यूसुफ उसे बताता है उसे कुछ दवाइयों की जरूरत थी इसलिए उसने ऐसा किया, लेकिन फिर भी इनमेट उसे मार देता है। फिर हम देखते हैं सभी गैंग्स के मेंबर काइल को देखकर कहते हैं इस जेल ने उन्हें वो बना दिया है जो असल में वो है ही नहीं, और वो काइल को देखकर न लड़ने का फैसला करते हैं। इसके कुछ टाइम बाद पुलिस काइल को वहां से खोलकर डॉक्टर के पास ले जाती है। वहां का जनरल कैदियों के सामने आता है और उन्हें धमकी देता है कि वो उसका आदेश नहीं मान रहे हैं और अपनी चला रहे हैं, ऐसा करने की क्या सजा मिलती है ये मैं तुम्हें दिखाता हूँ। फिर वहां पर काइल को लाया जाता है और उसे एक पागल बॉडी बिल्डर इंसान के सामने खड़ा कर दिया जाता है जो उसे मारने के लिए उसके पीछे भागता है। काइल उससे बचने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे पकड़ लेता है। तभी काइल बचने के लिए दीवार पर जोर जोर से हाथ मारता है, जिसे सुनकर वो पागल इंसान उसे छोड़ देता है। तब काइल को समझ में आता है कि इस आवाज को सुनने के बाद वो आदमी शांत हो जाता है, इसलिए दोबारा वो इसी तरह की आवाजें निकालता है जिससे वो इंसान पूरी तरह से नॉर्मल हो जाता है। लेकिन ये देखकर जनरल को गुस्सा आता है और वो काइल पर शूट करने वाला होता है, जिसे देखकर सभी कैदी काइल को बचाने के लिए सेल तोड़कर पुलिस को मारने लगते हैं और इस मुठभेड़ के बीच वो पागल इंसान और कुछ कैदी मर जाते हैं। फिर थोड़ी देर में ही पुलिस सब कुछ कंट्रोल कर लेती है। फिर इनमेट और काइल को 2 हफ्तों के लिए एक सेल में बंद कर दिया जाता है, जहां इनमेट काइल को बताता है जिन आदमियों को उसने पहले मारा था वो बहुत ही बोलते थे। फिर इनमेट उसे एक डायरी देता है जिसमें उसने जेल के रहस्य और यहां की लाइफ के बारे में लिख रखा होता है। वो काइल से कहता है तुम बाहर निकलकर इस बुक को देना, कोई तो ऐसा होगा जो हमारी मदद कर पाएगा। फिर वो दोनों वहां से बाहर निकलने का प्लान बनाते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि जनरल ने काइल को जेल से बाहर ले जाकर मारने का प्लान बनाया है, क्योंकि काइल जेल में रहेगा तो बाकी कैदी उसके साथ मिलकर विरोध करने लगेंगे। इनमेट काइल को बालिया से लड़ने के लिए मनाता है और वो कहता है ये उसकी आखिरी लड़ाई होगी। जब लड़ाई होती है तो काइल वालिया को हरा देता है। इसके बाद पुलिस काइल को जीप में बैठाने के लिए ले जाती है। इस बात का फायदा उठाकर जब काइल को जीप में बैठाया जा रहा होता है तब इनमेट वहां आकर दोनों पुलिस वालों को मार देता है और काइल को जनरल की यूनिफॉर्म पहनाकर जीप में बिठा देता है। काइल उसे भी बैठने के लिए कहता है लेकिन इनमेट कहता है ये जेल ही उसका घर है और वो वहां से बाहर नहीं जाना चाहता। इनमेट फिर जनरल के कमरे में जाकर जनरल की जबान काट देता है और दूसरी तरफ काइल को जनरल समझकर सारे पुलिस वाले उसकी जीप को वहां से जाने देते हैं। इस तरह से वो जेल से बाहर निकलता है और इनमेट की डायरी को पब्लिश करता है। इसके बाद जेल पर एक्शन लिया जाता है और उसे 3 महीने के अंदर ही बंद कर दिया जाता है। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। ये मूवी ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।